नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां प्रधानमंत्री के उद्घोष में वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात के ODOP उत्पादों एवं हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इको पार्क माती में चलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष नीरज रानी ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी नेहा जैन, केंद्रीय मंत्री जालौन गरौठा के प्रतिनिधि में श्याम सिंह सिसोदिया आदि जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण, उद्यमी आदि ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के पूर्व मुख्य अतिथि ने विभिन्न उत्पादों के लगाए गए कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस ODOP उत्पादों एवं हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी के माध्यम से जनपद में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वह अपना रोजगार स्थापित कर आगे बढ़ेंगे और कानपुर देहात जनपद का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा देहाती बुकुन ब्रांड का शुभारंभ किया गया। इस देहाती ब्रांड से कानपुर देहात को देसी होने की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। यह सभी लोग यहां से कुछ ना कुछ सीख कर अवश्य जाएंगे, जिससे अपने हुनर को दिखा सकें। वहीं इस मौके पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष नीरज रानी ने जनपद में उद्योग को बढ़ावा देने हेतु बात कही। इस मौके पर कार्यक्रम में आए उद्यमियों, अधिकारियों व लाभार्थियों ने भी अपने विचार विस्तार से रखे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी व जिला पंचायत अध्यक्ष ने रत्नेश पांडे को 5 लाख रुपए, ओम प्रकाश को 10 लाख रुपए, शिव नरेश गुप्ता को 2 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत चेक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित किया। कार्यक्रम के मुख्य कोषाधिकारी के पांडे, DDAG विनोद कुमार यादव, ARTO प्रशासन मनोज वर्मा, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी आदि अधिकारी गण व कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारी राजस्व एवं पुलिस दोनों को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि जल्द उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। अभी अगला कदम क्या रहेगा? इसे कार्रवाई नहीं की जाती है, अभी हमने ज्ञापन सौंपा है और 2 दिन का समय भी है उसमें। अगर देखते हैं, अगर पुलिस या प्रशासन द्वारा कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो फिर सभी पत्रकार साथी मिलकर जो भी एक निर्णय होगा उसके हिसाब से अगर आंदोलन या धरना प्रदर्शन जो भी है वो करेंगे।